हेलो हाय राम राम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना आज फिर लेकर आई हूँ एक नया मज़ेदार सा वीडियो आपके साथ, डीआईवाई वीडियो। तो ये डीआईवाई जो मैंने बनाया है ये मुझे एक्चुअल में चाहिए था मेरे यूज़ के लिए। तो आई वाज अबाउट टू बाय फ्रॉम मार्केट, तो मैंने सोचा मार्केट से ना खरीद के चलो इसको घर पर ही बना लेते हैं। और काफ़ी इजी प्रोसेस है, इतना जल्दी ये बन गया ना। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं, सिर्फ आप कार्डबोर्ड की हेल्प से और क्ले की हेल्प से ये एक की होल्डर बना सकते हैं। एक्चुअली मुझे एक की होल्डर चाहिए था, बिकॉज आप देख सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं बैकग्राउंड से वी शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। सो उसके लिए मुझे एक की होल्डर चाहिए था। और अभी आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पूरी नई जगह के लिए मुझे काफ़ी डीआईवाईज चाहिए, काफ़ी डेकोर पीसीज चाहिए, जो मैं सोच रही हूँ कि ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ उनको सबको, होम डेकोर पीसीज को मार्केट से या ऑनलाइन भी मैं खरीद सकती हूँ, बाय कर सकती हूँ। बट आई एम प्लानिंग कि मैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें हैंडमेड रखूँ, खुद से बनाऊँ और डीआईवाईज करूँ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारी मज़ेदार वीडियोस देखने को मिले, डीआईवाई वीडियोस देखने को मिले। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, डीआईवाई वीडियोस। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसेस और देख लेते हैं मैंने इसको कैसे बनाया। आई होप आपको ये पसंद आए। तो देखो गाइज, इसमें वैसे डिस्क्रिप्शन देने जैसा, समझाने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, काफ़ी सिंपल इजी प्रोसेस है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कार्डबोर्ड का पीस ले रही हूँ, जिसमें से मैं दो स्क्वायर शेप को कट करूँगी। दो मैं इसलिए कर रही हूँ, काम तो आपका वैसे एक से भी बन जाएगा, लेकिन दो हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि इसको थोड़ी मजबूती मिले, क्योंकि हमें इसको एक्चुअल में यूज़ करना है, जस्ट एज अ शोपीस नहीं रखना है, इसको ड्यूरेबल बनाना है और इसको हमें यूज़ करना है। तो इस वजह से मैं इसमें दो पीसेस का यूज़ कर रही हूँ, जिसको हम आपस में ग्लू की हेल्प से, फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे। और इसके जो एजेस है उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैं मास्किंग टेप की हेल्प से इसके जो एजेस है उसको स्मूथ कर दूँगी, जिससे कि वो रफ ना दिखाई दे और ये एक पीस जैसा ही लगे। तो ये भी यहाँ पर हो गया है। अब हम इसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको हट की शेप देने के लिए ये चार कार्डबोर्ड पीसेस का यूज़ कर रही हूँ। अगेन मजबूत हीले में यहाँ पर दो दो का यूज़ कर रही हूँ, टू ऑन ईच साइड्स, तो दो दो का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जो खाली स्पेस अभी आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल शेप, ये बाद में मैं इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का मैं बॉक्स ले रही हूँ, जिसकी हेल्प से यहाँ पर मैं एक बालकनी वाला लुक यहाँ पर देने वाली हूँ। और इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स को चिपका कर फेंसिस की हम यहाँ पर लुक देंगे, शेप देंगे। तो इसमें जो आइसक्रीम स्टिक की लाइक साइज़ है वो आपको एक छोटा एक बड़ा रखना है, जिससे वो फेंस जैसा लगे। और अब यहाँ पर ये कार्डबोर्ड पीसेस को आपस में स्टिक करके, दो मैंने वेडिंग कार्ड से ये पीस कट किए हैं, आपस में चिपका कर मैं यहाँ पर गेट इसका इसका जो डोर है, मेन डोर है, वो बना रही हूँ। और इसको 3D इफ़ेक्ट, 3D लुक देने के लिए मैं कार्डबोर्ड पीसीस का यूज़ कर रही हूँ, इसकी छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंपली इसको ब्रश और कलर्स की हेल्प से पेंट कर सकते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली, बट मैं इसको थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट देने के लिए ये पीसीस का यूज़ कर रही हूँ। डोर भी हमारा रेडी है और स्पेस भी हमने फिलअप कर दिया है। अब मैंने ये कुछ यहाँ पर पीसीस कट किए हैं, जिससे हम ब्रिक वॉल वाला इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये 1x1 करके विद द हेल्प ऑफ ग्लू मैं इसको सबको, सब पीसेस को यहाँ पर पेस्ट करती जाऊँगी, चिपकाती जाऊँगी, जिससे कि एक वॉल जो ब्रिक वॉल होती है वैसा ये लगे। तो ये सिंपली आप किसी भी लाइक कार्डबोर्ड, लाइट थिन कार्डबोर्ड से कट कर सकते हैं और यहाँ पर इसको 1x1 करके चिपका सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको इतनी नहीं मेहनत करनी है, आप डायरेक्टली इसको पेंट की हेल्प से, ब्रशेस की हेल्प से इसको डायरेक्टली कार्डबोर्ड पर आप उसको पेंट भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट के लिए
यहाँ पर ऐसे पीसेज मैंने यूज़ किया है। अब हम इसको पेंट करना शुरू करेंगे बिकॉज जो भी डिटेल्स थी वो हम ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पर सिंपली जो लास्ट स्टेप है आपका पेंट का वो बचा है, तो वन बाय वन करके हम ईच पार्ट को हम इसको पेंट करना शुरू करेंगे। तो फेंसेस को मैंने ब्राइट येलो किया है, गेट को मैंने उसकी बॉर्डर्स को ब्लैक और अंदर से येलो किया है, और जो मेन बेस है आपकी जो ये वॉल है उसको हम ग्रीन कलर करेंगे, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी ब्राइट एंड कलरफुल ही लग रहा है। और इसका जो ये स्पेस है यहाँ पर वाइट पेंट की हेल्प से, वाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से मैं कर दूंगी। एक्चुअली जो ये आप ऊपर की शेप इसकी देख रही हैं, जो मैंने ये ग्रीन किया है, आप देखेंगे कि आगे चलकर ये आपको चेंज नज़र आएगा, बिकॉज वो कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, सब कुछ ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गया था, तो इस वजह से उसको मैंने बाद में चेंज कर दिया था, उसको मैं ऑरेंज पेंट करूँगी। अब यहाँ पर मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ हुक्स को बनाने के लिए, बिकॉज हुक्स मेरे पास नहीं थी, पिन मेरे पास नहीं थी हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसका जो बैक है इसके इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक कैन का जो पीस है उसको क्ले की हेल्प से स्टिक कर दूंगी, और क्ले की हेल्प से ही मैंने ये हुक्स यहाँ पर बनाए हैं कीज़ को हैंग करने के लिए, बिकॉज मेरे पास नहीं था कुछ ऐसा हुक जैसा या कोई ऐसी कुछ भी हैंग करने के लिए। तो अब ये रेडी है, कंप्लीट हो गया है, और आइए चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक ये लगता कैसा है। और जो भी सजेशन है आप वो मुझे बता सकते हैं, आप दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।